दिशा क्या हो। मुझे लगता है दशा पे आपने लगभग सभी के बारे में चर्चा की है, चाहे गरीब हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे पिछड़ा हो, माइनॉरिटीज हो, वुमेन हो, उनके सब में आप सबके ऊपर आपने काफी विस्तार से बात की। थोड़ा स्पीकर नीचे कर। अब हम मेरे लिए बड़ा धर्म संकट था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे अब इसके ऊपर इसके अलावा क्या बोलना चाहिए, क्योंकि एनआरसी आपने बहुत इतने मनोरथली एक ही लाइन में समझा दिया सबको, एनआरसी सीए सब कुछ, और जो दिशा है वो भी लगभग आपने बता दी कि आज हम किस तरीके से मंदिरों को लेकर ज्यादा जुटे हुए हैं, जयंतियां मनाते हैं, चंदा लेते हैं उसके नाम पे, सब कुछ करते हैं, तो दिशा क्या हो इस पे मैं थोड़ा सा विस्तार से बात करना चाहूंगी, ज्यादा समय नहीं लगूंगी क्योंकि सर ने मेरा काफी सारा समय ले लिया, इसे बचा नहीं। एक्चुअली क्या है, दोनों पेशे ऐसे हैं, दोनों बोलने का खाते, मेरा पेशा भी बोलने का है, अगर लेक्चर ना दे तो स्टूडेंट टूट के भाग जाएंगे, यही काम है हमारा भी, यही वकील का है, वकील बोलेगा नहीं तो खाएगा काम। आप देखिए जब कोर्ट में हुआ था वकील और पुलिस लाठीचार्ज, आपको याद होगा वहाँ वकील और पुलिस वाले कैसे झगड़े दिल्ली में 30,000 कोर्ट में, तो बड़ा देखने वाली बात। और मैं अपने विषय पर आने से पहले इसके ऊपर जरूर एक सेकंड लूंगी, अभी पिछले दिनों दिल्ली यूनिवर्सिटी स्ट्राइक पे प्रमोशन यूनिवर्सिटी बनी और एडोट जो अपॉइंटमेंट है वो लगा था एक तरह से गुलाम की तरफ बढ़ता जा रहा है, किसी तरह का रोजगार मिल नहीं रहा, इसके ऊपर लगातार टीचर्स धरने पे हैं, और जो हमारा जो वाइस चांसलर का हाउस है उसके ऊपर कब्जा भी किया, लगातार ठंड गई उनको वॉशरूम तक करने की सुविधा वहां पे बंद कर दी, पानी लाइट जो शानदार दंड है जो एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है वो सब कुछ किया, इसके बावजूद भी चल रहा है, इसके बावजूद भी चल रहा है, बहुत बड़ी बात है कि पीछे अपना वो भी नहीं चाह, उनको पता है मिलेगा कुछ नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी लड़े जा रहे हैं। तो मैं कहना ये चाहती हूँ कि हम सब जब स्ट्राइक पे थे तो जब पुलिस वाले हमारे ऊपर लाठीचार्ज करने लगे तो हमने उनको बस एक ही लाइन दी, हमने ये कहा आपको याद है ना जब आप कोर्ट में पिटने लगे थे, हम लोग भी आपको के पक्ष में आए थे कि पुलिस वालों को तो छोड़ दो कम से कम, आज तुम ही हमारे ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हो, पर आज हम यहाँ आप अपने हमारे ऊपर दमन कर रहे हो, पिट रहे हो हमें लाठियों से, कल को आपके बच्चे यूनिवर्सिटी में जाने हैं, आपके ही बच्चे आगे बढ़ेंगे, अगर रिजर्वेशन खत्म होता है या रोस्टर के आधार पर दादली होती है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है, आखिर वो जो कॉन्स्टेबल खड़ा है वहां उसे लाठी लेके, उसके बच्चे जब स्कूल में जाएंगे, कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जाएंगे, रोजगार की जब मांग करेंगे तो कहां से आएगा, तो एक पीढ़ी को तो लड़ना पड़ेगा ना, तभी दूसरी पीढ़ी आगे आएगी। खैर बड़ा मैं आज सबको 71वें संविधान गणतंत्र दिवस की आप सबको शुभकामनाएं देती हूँ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सिंबल ऑफ नॉलेज जो न केवल भारत का पूरे विश्व में एक रत्न है जिनके बदौलत आज हम यहाँ हैं, और मैं एक ऐसी कैंडिडेट होने के नाते अपने आप को और ज्यादा सौभाग्यशाली मानती हूँ कि अगर बाबा साहब ना होते तो हम यहाँ ना होते। आज जो एक प्रतीक है उनका हमारे सामने, वो न केवल उनके संघर्ष का है, उनकी इबारत का है, बल्कि उन्होंने वो इतिहास हमें दिया है जो सदियों तक इतिहास न होकर भविष्य निर्धारित करेगा, और इसी की बदौलत आज घर का चप्पा चप्पा संविधान की प्रस्तावना को बढ़ रहा है। एक बार फिर से यह बहुत बड़ी एक हमारे सामने एक चुनौती के रूप में मिली है कि आज जिस तरीके से संविधान के ऊपर हो रहे हैं, जिस तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था को कल्याणकारी राज्य की अवधारणा हुआ करती थी वह एक सपने की तरह हमारे सामने बनती जाती है, उन सारी चीजों को दर्द को दोबारा फिर से हासिल करने के लिए हम देख रहे हैं, और मैं बिल्कुल निराशावादी नहीं हूँ, हम चाहे तमाम जितने भी आंदोलन हैं उनमें बहुत सारे मतभेद हैं, पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी है, नेशनल इंटरेस्ट है अपने अपने, इसके बाद भी संविधान को बचाने की जो लड़ाई एकजुटता से, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे पिछड़ा हो, आज संविधान को बचाने के लिए जो जुटे हुए हैं वो अपने आप में एक इतिहास है। अब भले ही आज उसको कितना भी दमनकारी दृष्टिकोण से देखें, इसके बावजूद भी इतिहास तो बना ही जा रहा है। जब हम देखते हैं कि महिलाएं जब सड़कों पर रात को सोती हैं, और जो इस तरीके से जो हमारे रिप्रेजेंटेशन जिनको हम बना के संसद में, पार्लियामेंट में, लोकसभाओं में, विधानसभाओं में भेजते हैं, और वो सीधा जब ये कहते हैं तो हम ये मानते हैं
कि हमारा आंदोलन कहीं ना कहीं सफल है। मुझे स्टेटमेंट आपको देने की जरूरत नहीं है, आप फिर भी आप सुनना चाहें जो ये कह आजकल जो हमारे जो रिप्रेजेंटेशन देते हैं हमें, वो ये कहते हैं कि महिलाएं रजाइयों को छोड़ के सड़कों पर बैठी हुई है और आदमी उनके जो घर वाले हैं वो रजाइयों में लेटे हुए हैं। तो ये अपने अपने इतिहास की आंदोलन की जीत है कि आज कम से कम वो यहाँ तक हम उनको लेके आए हैं कि वो ये मानने लगे हैं कि महिलाएं, इस देश की महिलाएं इतनी भी संविधानिक अधिकारों को हासिल करने के लिए कमजोर नहीं कि वो सड़कों पर रात को न एक होकर लड़ सके। ये हमारी जीत है आंदोलन की, मुझे ऐसा लगता है। मैं बात करना चाहती थी कि जिस तरीके से फ्रैक्शन है सोसाइटीज के अंदर, उनका एक ही जो उनको एकजुटता की तरफ लेके जा सकता है वो एक ही मूल मंत्र है, वो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की वजह। वो केवल मानने के लिए नहीं है, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, हमें मानने की जरूरत नहीं है, हमें समझने की जरूरत है, हमें जानने की जरूरत है, हमें मूर्तियां स्थापित करने की बजाय उनकी बचारकी को समझने की जरूरत है, उनके स्टैंड को समझने की जरूरत है। जिस तरीके से उस वक्त के समाज की जो बनावट थी, उस बनावट को जिस तरीके से उन्होंने चैलेंज किया, और उस वक्त की व्यवस्था जब न केवल दमनकारी व्यवस्था चारों तरफ से थी, पूरा वर्ल्ड युद्ध की तरफ था, इसके बावजूद भी उनका जो स्टैंड एक तरह से क्लियर करते रहते, वो अपने आप में एक हमारे गौरवशाली इतिहास है जो हमारा भविष्य निर्धारित करता है। हम उस देश के वासी हैं जो सबसे ज्यादा राष्ट्रभक्त रहा है। आज जो कुछ लोग अपने आप को बहुत बड़ा राष्ट्रभक्त मानते हैं, तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि महिलाएं आपसे कम राष्ट्रभक्त नहीं है, जो अपने संतानों के लिए, आने वाले दिनों के लिए, अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए संकल्प करते हैं। तो जो देश की जो व्यवस्था, खासकर जो दलित आदिवासी कम्युनिटी की व्यवस्था है, वो पहले भी दयनीय थी, और आज अगर उसमें कुछ बदलाव हुआ है, वो बदलाव संविधान की बदौलत है। उसमें धार्मिकता का क्या आंदोलन रूप रहा होगा या क्या रोल रहा होगा, हम सब जानते हैं, हम पढ़ी लिखी जमात है। और मैं इस बात को बिल्कुल सर की बात को कोट करना चाहती हूँ कि ये बिल्कुल सही है कि हम आपस में साझा करते हैं बातचीत, लेकिन जहाँ ज्यादा जरूरत है वो कहीं ना कहीं हमारी पहुंच अभी अछूती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो वहां दूर दराज में बैठे हुए लोग इन चीजों को नहीं सुन रहे। कम से कम आज का जो सोशल मीडिया है या आज का जो यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से हम अपनी बात कोने कोने तक पहुंचाते हैं, वो एक बहुत बड़ी अपने आप में एक बात बनती है। आज जब देश का युवा, देश का नौजवान, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़के हो, जब संविधान की प्रस्तावना को पढ़कर संविधान को बचाने की बात कर रहा है, तो अपने आप में ही लोकतंत्र के पहरेदार सबसे बड़े वही है। वो नहीं जो केवल मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर, हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर, जातियों के अंदर के जातिवाद के मुद्दे पर देश को चलाना चाहते हैं या पूरे युवा अवस्था को उसकी तरफ धकेलना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा युवा, अगर आपके इस भटकाव से कहीं ना कहीं संचालित होता भी है तो पीछे भी वही आता है। हम बहुत अच्छी तरह याद है हमें जब निर्भया कांड होता है तो हमारे युवा ही देश की सड़कों पर लाठियां खाई थी, वाटर कैनन उनके ऊपर गिराए गए थे। आज वही देश का युवा है जो इस चीज को चैलेंज कर रहा है कि ये न केवल एक वर्ग का मुद्दा है, न केवल महिलाओं का, न केवल दलित का, बल्कि भारत के रहने वाले हर एक व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है कि इस तरीके के जो काले कानून हमारे सामने दिन प्रतिदिन आते जा रहे हैं, एक पर बात खत्म नहीं होती कि दूसरा लाया जाता है, और दूसरे पर बात खत्म नहीं होती तीसरा लाया जाता है, उसकी एवज में कितने सारे पीछे से सारे के सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को भेजा जा रहा है, किस तरीके से पूरी की पूरी व्यवस्था जो एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था थी, जो एक राज्य कल्याणकारी अवधारणा थी, उनको पीछे से अंदर खाते भेज दिया जाता है। हम लड़ते रहते हैं राम मंदिर के मुद्दे पर, कौन क्या करेगा, कौन पंडित बनेगा, कौन नहीं बनेगा, हमारा ध्यान इसकी तरफ रहता है। साथ ही साथ वो रेलवे को भेज देते हैं, पूरा का पूरा प्राइवेटाइजेशन कर देते हैं, रेल भी चल पड़ती है जिसमें किसी तरह का कोई रिजर्वेशन नहीं, किसी तरह का कोई बेनिफिट उस व्यक्ति को नहीं है जो कम से कम उस रेल में बैठता था। और या हम कहें कि जो LIC सेक्टर है हमारा, बीमा का पूरा का पूरा है, एयरपोर्ट है, कितने ऐसे जो सरकारी एजेंसियों से चलने वाले थे उनको किस तरीके से एक जवाब की तरफ दिया जा रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो मैं इन चीजों के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि दलितों को, न केवल दलितों को, जो एक तरह से डायवर्जन किया जाता है एक अपने अपनी गलती को गलती ना मान के उसको इस तरीके से देना कि नहीं ये तो दलितों की भलाई के लिए, चाहे वो बांग्लादेश का हो, चाहे अफगानिस्तान का हो, चाहे फला ढिका मुठा, वो एक तरह से उस
कमजोर नस को दबाना चाहते हैं या उस कमजोर को टारगेट करना चाहते हैं जो ये जानते हैं कि उनके पास इन चीजों को समझने के लिए ना तो इतनी योग्यता और ना ही उनके पास इतनी फुर्सत। जो एक व्यक्ति पूरा दिन मजदूरी करता है वो रात को आकर अपने बच्चों का पेट पालता है, उसको नहीं मतलब होता कि करेंसी रातों रातों चेंज कर दी जाएगी, उसको नहीं मतलब होता कि एयरपोर्ट भेज दिया जा रहा है, उसको नहीं पता होता बहुत बार के रेलवे में जिस रेलवे को इतना रोजगार जो देती थी, जो सरकार को जो रेवेन्यू देती थी उसको बेचा जा रहा है, वो तो हर रोज खा रहा है और हर रोज कुछ हो रहा है। उसके लिए तब आता है जब उसको इस तरीके से बरगलाया जाता है कि ये चीजें वही 15 लाख मिला, मतलब दूसरे का घर जले हम उसमें आज से। क्यों? क्योंकि हमें ये नहीं पता कि कल को जो घर जो तुम्हारा पड़ोस जल रहा है वो अगले दिन आपका भेज देगा। हम ये खुश हो जाते हैं एक जमात अगर आगे बढ़ी हुई है और वो ये मानती है कि वो सारे के सारे अधिकार अब उसकी मेहनत की बदौलत है लेता है। मैं यहाँ सामाजिक दशा की बात कर रही हूँ, खासकर दलित पर मैं 2-3 लाइनों में बात कर रही हूँ कि एक ऐसा वर्ग दलितों के अंदर जो आगे बढ़ चुका है, नो डाउट उसने अपने पुश्तैनी पेशों को पीछे धकेला है, उसने संघर्ष किया है, उसने लाठियां खाई है, उसने आंदोलन किया है, उसने दिन रात एक किया है अपनी उस व्यवस्था को बदलने के लिए वो आगे आया है। लेकिन जो जिस तरीके से जो हमारे बीच में जो एक जो खाइयां जो गहरी होती जा रही है या होती नहीं जा रही बल्कि करी जा रही है, रिजर्वेशन का ही मामला ले लीजिए, बस एक ही लाइन में मैं कहूंगी कि सीधा एकदम मतलब वो लोग जिनको रिजर्वेशन से कोई मतलब नहीं कम से कम वही ये कहते हैं कि आपको तो रिजर्वेशन मिल नहीं रहा, उनको मिल रहा है जो सदियों से खाते आ रहे हैं। एक रिक्शे वाला है, एक दहाड़ी मजदूरी करने वाला है, एक भट्टे पे काम करने वाला है, एक रोड पे काम करने वाला है, उनके सामने ये रखना कि आपको तो किसी तरह का कोई अधिकार मिल ही नहीं रहा, आपका अधिकार तो कोई दूसरा खा रहा है। तो ये जिस तरीके से एक तरह से जातिवाद के अंदर का जो जातिवाद है वो जो गहन जिस तरीके से है और उसका कैसे इस्तेमाल कोशिश करती है ये देखने की जरूरत है। जो हमारी दशा की उस दशा में जो परिवर्तन हुआ आजादी के बाद, न केवल आजादी के बाद बल्कि जितने भी हमारे सोशल रिफॉर्मर हुए जिन्होंने हर वक्त जब भी कोई व्यवस्था ऐसी व्यवस्था हमारे सामने आई उसको चैलेंज किया, चाहे वह गुरु रविदास का आंदोलन हो, चाहे कबीर का, चाहे वह सिद्धोनाथों की परंपरा हो, पूरी की पूरी एक ऐसी परंपरा रही है, इतिहास गवाह है कि जब जब यहाँ व्यवस्था इस तरीके की बनाएगी बुद्ध जैसे लोग हमारे सामने आएंगे। गौतम बुद्ध ने राजपाट छोड़कर लड़ने के लिए आगे लड़े, ठीक उसी तरह कबीरपंथी जो एक तरह से पूरी उस जो आप आध्यात्मिकता पे भी आपका एक कब्जा था उसको तोड़ के उन्होंने उस आम जन तक पहुंचाने की कोशिश की, उस व्यक्ति तक पहुंचे जिसको जरूरत नहीं है मंदिर में जाने की, वो घर में बैठ के भी अपनी पूजा अर्चना अगर वो चाहे कर सकता है। मैं कहना बस ये चाहती हूँ कि जो हमारी दशा है जो आज और जो पिछड़ा वर्ग है वो तो एक तरह से अपने आप को उनकी तो स्थिति बहुत अलग है। माफ कीजिएगा मैं नॉर्थ इंडिया की बात कर रही हूँ, खासकर ये जो पूरी राजस्थान बिहार उत्तर प्रदेश और हरियाणा ये वाली जो बेल्ट है, ओबीसी तो वहां अपने आप को राजा मानता है, उनके साथ दिक्कत ये है कि अपर कास्ट उसको अपर कास्ट नहीं मानता और वो दलित अपने आप को नहीं मानता, उनके बीच की पेंडुलम होता है वो घूमता है। हालांकि आज के दौर में ओबीसी को समझ आने लगा है धीरे धीरे, चाहे वो मंडल कमीशन के बाद का परिवर्तन हो या फिर जिस तरीके से ओबीसी का रिजर्वेशन मिला और उसके ऊपर लाठियां खाई एससी शेड्यूल कास्ट ने, उससे भी कहीं ना कहीं एक मैसेज उसके ऊपर गया है, एक फ्लेक्सिबिलिटी आई है, जो फ्लेक्सिबिलिटी एक जमात के लिए खतरे की घंटी है। उनको बहुत अच्छी तरह पता है कि भारत की कुल आबादी जो 85% से अभाव चली जाती है उसमें 15% लोग अगर अपना राज कायम आज तक कर किए जा रहे हैं उसकी कुछ वजह है और उस वजह को वो और ज्यादा वजह में बांटकर उन 85 को ही तोड़ना चाहते हैं और वो तोड़ भी चुके हैं। ये देखिए कल जब घोषणा हुई पद्मश्री अवार्ड की उसमें सिर्फ एक कैंडिडेट को छोड़ दी थी, मैरी कॉम है जो आदिवासी कृष्ण एक तरह से है, उसको छोड़ के एक भी एससी एसटी ओबीसी नहीं है। ये आज के आजाद भारत की बात कर रहे हैं, आज हम 17वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, क्या वजह है कि रमना कौन सी कैनोन है, उसने ऐसा कौन सा महान काम कर लिया कि उनको सावित्री बाई फुले आज तक भारत रत्न की योग्य दिखाई नहीं देती, वो क्या क्या वजह है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को 91 में मिलता भारत रत्न और जो एक अपर कास्ट में जो पैदा हुआ व्यक्ति है उसको भारत रत्न आप दे देते हैं चाहे मरने के बाद जीने के बाद, मतलब उसका कंट्रीब्यूशन क्या है इसके ऊपर देखने की भी जरूरत है। तो ये जो दशा जो जिस तरीके से सामाजिक व्यवस्था जो बनी हुई थी जो एक तरह से जिसका मूल कारण आपके सामने मुझे बताने की जरूरत है, मैं खुद संस्कृत पढ़ाती हूँ और यहाँ तक पहुंचने में मैंने क्या क्या संघर्ष किया है, क्या क्या झेला है,
इसमें बहुत कुछ विस्तार से बात करने की जरूरत है। तो ये जो व्यवस्था जो हमारे सामने थी, वो जो सूत्रों की जो व्यवस्था थी, वो आज उसी व्यवस्था पर पहुंचाना चाहते हैं। आप देखिए आज क्या वजह है कि अब उनको ये लिखने की जरूरत पड़ रही है कि यहाँ मंदिरों में सूत्रों का प्रवेश वर्जित है। आज क्या वजह है कि उनको ये लिखने की जरूरत है? वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि आज संविधान के हम दायरे में हैं और उस संविधानिक अधिकारों के दायरे में आपके एट्रोसिटी एक्ट लग सकता है, आपके ओबीसी एक्ट लग सकता है, जितने एक्ट है सारे संविधानिक, इसके बावजूद भी वो कर रहे हैं। ये देखने वाली बात है कि इसके बावजूद भी वो इन सारी चीजों को जो एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य को डिग्रेड करती है, अपमान करती है, इसके बावजूद भी वो किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनको ये पता है कि समाज का एक ऐसा वर्ग है जो केवल अंधानुकरण करता है, वो केवल इस हिसाब से चलता है कि आज अगर मैं अपर हूं तो मेरे नीचे दूसरा होगा, तभी मेरा अपर मुस्कायम रहेगा। अगर मैं ऊंची पद पे हूं तो वो ऊंचा पद तभी तक ऊंचा है जब तक मेरे नीचे लोग हैं। अगर मेरे नीचे ही लोग नहीं है तो ऊंचा पद हो ही नहीं सकता, ये वो जानता है। इसी वजह से वो इन चीजों को करता है। क्या वजह है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आपको द्रोणाचार्य द्वार बनाने की जरूरत पड़ी? हम चीख चीख के कह रहे हैं पूरा तो इतिहास सबके सामने, आपने बहुत कोशिश की, लक्ष्मीबाई के योगदान को हमेशा सदियों से आपने आगे रखा, लेकिन आपने कभी जनकारीबाई का जिक्र भी किया, आपने हमेशा मंगल पांडे का जिक्र किया, आपने मदा देवी मंगल का कभी जिक्र नहीं किया, आपने उदा देवी का कभी जिक्र नहीं किया। कितनी तमाम जो आजादी के आंदोलन में जो लोगों ने काम किया SC/ST OBC का, वो आपको कभी नजर नहीं आया। लेकिन अब उनको ये बताया कि याद है आपको रोहित मेमुला, जब रोहित मेमुला की वजह से पूरा देश जिस तरीके से सड़कों पर उतरा, इंस्टीट्यूशनल मर्डर के लिए एक्ट बनाने के लिए जिस तरीके से लोगों ने लाठियां दी, और इसके बावजूद वो डायवर्ट हुआ एक ऐसे इश्यू पे, पता नहीं हुआ या नहीं हुआ, वो वहां पहुंचाना अपने आप में एक अचंभे वाली बात थोड़ी ना है, बल्कि सोशल राजनीति के तहत है। क्योंकि आंदोलन जब जब चीज गढ़ा जाता है उसमें भी उसका नेतृत्व कौन करेगा, किस जाति के करेगा, किस धर्म का करेगा, किस संप्रदाय का करेगा, किस राजनीतिक पार्टी से संबंधित करेगा, ये मायने रखता है। और उनको ये मंजूर नहीं था कि दलित आदिवासी पिछड़ा इकट्ठे होकर ऐसे शैक्षणिक आत्महत्याओं के ऊपर एक्ट की मांग करे। वो चाहते थे कि इसको डाइवर्ट करने का एक ही तंत्र है, वो है जेएनयू को ऊपर ठहराना। और आपको मैं जान के आपको हैरानी होगी कि मैं जेएनयू की स्टूडेंट हूं, मैंने जेएनयू से पीएचडी किया। तो वो जेएनयू जहां नोबेल पुरस्कार आपको दिया जाता है, जहां पूरी अर्थव्यवस्था के ऊपर जब बात होती है तो जेएनयू की तरफ देखा जाता है, जहां बड़े बड़े जो पॉलिटिशियन है, इवन वहां यहाँ के हमारे अपने रक्षा मंत्री वहां के स्टूडेंट रह चुके हैं, वो जेएनयू जिसने सब कुछ दिया है, पूरी व्यवस्था में जिसका नाम है शैक्षणिक जगत में, जहां छोटे से छोटे रिमोट एरिया में पढ़ा बैठा हुआ विद्यार्थी भी अगर उसके अंदर काबिल है, काबिलियत है, वो बिना किसी की चाकरी किए या बिना पैसे कर्ज लिए या बिना किसी तरीके की कोई चपरसी किए वहां जाके बैठ के पढ़ सकता है और न कोई डिग्री हासिल कर सकता है। क्या वजह है कि रोहित कर्मुला के पूरे आंदोलन को आपने